स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और वीडियो जो है आज का एक गेटेड टाउनशिप का होने वाला है और बहुत ही एक प्यारा सा विला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टाउनशिप जो है वो एक ऐसी टाउनशिप है जिसमें मंदिर, स्ट्रीट लाइट्स, रोड, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही आप एक बार फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए घर का, कैसा क्या फ्रंट एलिवेशन है। 90 गज में ये हाउस बना हुआ है। ये तो अभी जो मैं दिखाऊंगा आपको ये ड्यूप्लेक्स है। अगर आप ट्रिप्लेक्स भी लेना चाहो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आगे की रो में आप देखोगे तो वहाँ पे एक ढाई मंजिल का मकान है, आगे का 3 मंजिल का मकान है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबकी अलग अलग रेट है। अगर आप कुछ बड़ा देख रहे हैं जैसे 100 गज से ऊपर का, तो आप एक बार सामने की तरफ देख लीजिए, वहाँ पे एक ट्रिप्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो 107 वर्ग गज में बन रहे हैं। लिफ्ट वगैरह भी उनमें दी जाएगी। 1 करोड़ 21 लाख की उनकी रेट है। तो हर तरह की प्रॉपर्टी आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली है। अजमेर रोड जो निकल रही है 200 फीट बाईपास से, उससे जो अपनी टाउनशिप है उसकी एंट्री जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। तो एक बार चलते हैं हम यहाँ अंदर की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का ये मकान बना हुआ है। सामने की तरफ आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे स्टोन का वर्क हो रखा है। यहाँ पे कुछ प्लांट आप लगा सकते हैं, नेम प्लेट के लिए यहाँ पे जगह आ जाती है। और गेट वगैरह आप देखोगे तो मॉडर्न टाइप की पूरी लाइटिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अंदर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ भी स्टोन वर्क आपको मिलने वाला है फ्लोरिंग में। बहुत ही अच्छा सा आपको शानदार सा वर्क आपको यहाँ पे साइड वॉल्स पे मिल जाता है। साइड में भी आप देखोगे यहाँ पे तो एक अच्छा एरिया यहाँ भी आपको मिलने वाला है, जब बाइक वगैरह आप पार्क कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप डिजाइंस देखोगे तो वुडन कलर में आपको यहाँ पे पेंट मिल जाता है। साथ ही हाइट भी घर की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पोर्च के एरिया में डायमेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक छोटी कार आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। वैसे गेटेड टाउनशिप है तो बाहर की तरफ भी आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो। अंदर की तरफ मूव करें तो हॉल का एरिया आएगा और उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो डबल गेट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ तो ये आ जाता है यहाँ पे हॉल का एरिया। हॉल आप देख सकते हो बहुत ही स्पेशियस साइज में आपको यहाँ पे हॉल का एरिया मिल रहा है, जहाँ पे सोफ़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 सीटर सोफ़ा आप इजीली यहाँ सेटअप कर सकते हो। सेंटर टेबल यहाँ पे रखी हुई है। जस्ट सामने की तरफ स्टेयर्स है और स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे प्रॉपर वुडन का वर्क है। LED आप यहाँ पे लगा सकते हो। कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ रखना हो तो वो यहाँ पे साइड में जगह है। साइड में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ स्टोरेज के लिए आपको बढ़िया सा यहाँ पे स्टोर मिल जाता है। और साइड में आ जाता है यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम एरिया। यहाँ पे देखिए और ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोर प्लान की मैं बात करूँ तो नॉर्थ फेसिंग का ये हाउस है, जिसमें कि पीछे की तरफ एक बेडरूम है, अटैच में बाथरूम मिलेगा। और इसके सामने की तरफ आप देखिए ये अपना आ जाता है यहाँ पे वॉश बेसिन का एरिया। पीछे की तरफ बेडरूम और अटैच में बाथरूम है, वो भी देखेंगे। उससे पहले आप एक बार किचन देख लीजिए, ओपन किचन है। और किचन में भी आप देखोगे वर्क आप देखोगे तो काउंटर टॉप आप देखिए ग्रेनाइट का यहाँ पे यूज किया हुआ है। साथ ही नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ पे ड्रॉवर्स जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको ये स्टेनलेस स्टील में आपको यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए कैबिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें ग्लास का यूज़ किया हुआ है। विंडो आप देखते हो तो यहाँ पे 2 विंडो आपको यहाँ दी हुई है तो सफोकेशन वगैरह यहाँ पे ना हो। ऊपर की तरफ फैन आपको छोटा मिल जाता है एंकर का, और एंकर का ही यहाँ पे मिल जाता है एग्जॉस्ट। हॉल में आप जैसे सीलिंग डिज़ाइन देखोगे तो 2 आपको यहाँ पे फैन लगा के दिए जा रहे हैं। बीच में यहाँ पे खूबसूरत सी लाइट है और सीलिंग डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ आ जाता है बेडरूम। और बेडरूम की जो साइज़ है बहुत ही शानदार सी आपको यहाँ पे साइज़ मिल रही है। देखोगे आप तो बहुत ही स्पेसियस साइज़ में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पे आपका बेड लग जाएगा। बेड के पीछे की डिज़ाइन आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत यहाँ पे दी हुई है। प्रॉपर वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। ऊपर की तरफ आ जाती है यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन और एंकर का यहाँ पे दिया हुआ है फैन। आगे की तरफ का जो पोर्शन है पूरा ही आपको स्टोरेज के लिए तैयार करके दिया जा रहा है। दोनों साइड यहाँ पे वार्डरोब है। बीच में आपको LED का पैनल मिल जाता है, नीचे ड्रॉवर्स मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो कैबिनेट यहाँ भी तैयार किए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ आ जाता है एक बैकयार्ड का एरिया, ये जो वॉशिंग एरिया आप इसे यूज कर सकते हो। और यहाँ साइड में दिया हुआ है यहाँ पे अटैच में बाथरूम। बाथरूम आप देखोगे तो वॉल माउंट आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है, स्पेशियस है। और साइड में है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक पॉइंट। ये हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर देखा है। और अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर के फ्लोर पे। ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए
यहाँ आप देखोगे तो स्टेनलेस स्टील जिंदल का आपको यहाँ रेलिंग का काम मिल जाता है। स्टेयर्स में देखिए आप नीचे की जो स्टेयर्स में ग्रेनाइट के नीचे आपको वुडन फिनिश में यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा काम करके दिया जा रहा है। वॉल पे यहाँ भी वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ सीढ़ियों में आप देखोगे बहुत ही अच्छा सा एक डेकोर आपको यहाँ पे किया हुआ मिल जाएगा। ये आ जाता है ऊपर के फ्लोर का लॉबी एरिया, हॉल का एरिया, ये भी बहुत ही स्पेसियस साइज़ में आपको दिया जा रहा है। लगभग 10 फीट की चौड़ाई में यहाँ पे आपको ये लॉबी एरिया मिल रहा है। लेंथ भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप करना चाहो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर की डिज़ाइन आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सी यहाँ पे लाइटिंग दी हुई है। वॉलपेपर्स का प्रॉपर यूज है। साथ ही जैसे इसमें देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगाई हुई है ग्लास, और डिज़ाइन आप यहाँ पे देखिए एक बार, बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई है। एक बेडरूम पीछे की तरफ है, एक आगे की तरफ है, दोनों में अटैच बाथरूम है। 90 गज का हाउस है, लेकिन इसमें बेडरूम्स की जो साइज है बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। इसमें भी आप एक बार देखिए, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ आप देखोगे सीलिंग डिज़ाइन हर बेडरूम में, हॉल में दी हुई है। आगे आ जाता है इसमें वार्डरोब का प्रोविज़न, तो वार्डरोब यहाँ पे दी हुई है। पैनल काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है। 90 गज का हाउस है, लेकिन स्टोरेज के लिए बेडरूम की साइज़ है, वार्डरोब्स है, बहुत ही अच्छी साइज़ में दी हुई है। अब यहाँ देखोगे आप बाथरूम, तो बाथरूम में आप एक बार टाइल वर्क देखिए, बहुत ही अच्छा टाइल वर्क है। हाइट काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी हुई है। सीट वगैरह वॉल माउंट आपको मिल रही है, और इसमें भी साइड में यहाँ पे एक बैकयार्ड का एरिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। टाइल्स भी काफ़ी प्यारी यहाँ पे यूज़ की हुई है। और ये आ जाता है यहाँ पे एक फ्रंट का बेडरूम। ये बेडरूम भी बहुत ही बढ़िया स्पेसियस साइज़ में आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें सामने की तरफ पैनल LED के लिए, एक साइड में यहाँ पे दी हुई है वुडन की वार्डरोब। ऊपर से एक बार डिज़ाइन देख लीजिए आप किस तरह की यहाँ पे मिलने वाली है। कलर्स का जो थीम है वो आपको हर बेडरूम में अलग तरह का मिलने वाला है। और यहाँ पे है अटैच में बाथरूम, तो तीन बेडरूम है, तीनों में अटैच में बाथरूम है। वेंटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर है, बेडरूम्स की साइज़ आपको बहुत अच्छी मिल रही है। और यहाँ पे है बालकनी एरिया, बालकनी एरिया भी स्पेशियस है। आगे की तरफ ग्लास यहाँ पे लगाया हुआ है, SS का वर्क है। ऊपर यहाँ भी एक छोटा फैन आपको लगा के दिया जा रहा है। यहाँ से भी एक बार आप सामने जो कॉलोनी है, टाउनशिप है, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह की बसावट है। बहुत सा कंस्ट्रक्शन का भी काम अभी यहाँ पे चल रहा है। अब मैं एक बार आपको यहाँ से छत पे ले जा रहा हूँ, और वहाँ से दिखाता हूँ कि जो मेन जो अजमेर रोड निकल रही है वो यहाँ से कितनी नज़दीक है। और यहाँ पे आप रूफ पे देखोगे तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में आपको वर्क मिल रहा है। यहाँ देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे छत डाली हुई है, तो ये पूरा कवर किया हुआ एरिया है। यहाँ पे साइड में देखोगे टेक्सचर का काम यहाँ पे मिल जाता है। चेयर्स वगैरह आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और एक गेटेड टाउनशिप में बहुत ही अच्छी टाउनशिप है। और यहाँ पे एक ऐसा घर मिल रहा है आपको, वो भी 74 लेक में, बहुत ही अच्छी आपके लिए डील है। अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके आप प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप एक बार बसावट देखिए, और यहाँ से एक बार मैं दिखाऊँ आपको तो सामने की तरफ जो पुलिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दिल्ली अजमेर हाईवे, जो अजमेर हाईवे निकल रहा है वो यहाँ से जस्ट 100-150 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही ऐसे और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।